एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज हम लोग बनाने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीकन इन माइनक्राफ्ट विथ वन एक्सपेरिमेंट। और ये देखो, ये रही हमारी सिंपल शीप, ये आइस में कहाँ खा रही है। और ये रही हमारी गोट, जो कि है माइनक्राफ्ट का 1.17 वर्जन का न्यू अपडेट। वैसे ये कौन है? ओ वाओ, छोटू लामा। हेलो छोटू लामा, चलो आप मम्मा का यहाँ पास जाओ, अकेले नहीं घूमते ना। और कोविड में आप बाहर क्यों हो? वैसे आप लोग भी घर में रहना और घर पर बैठे बैठे मेरे वीडियोस एंजॉय करना, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सोचो, सबसे पहले हम लोग बेसिक बीकन बनाते हैं, यानी कि ब्लॉक ऑफ आयरन का बीकन, जो कि सबसे बेसिक बीकन का एक तरह से, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, आई डोंट नो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, बट या एक तरह से बेसिक बीकन है, यानी कि बीकन्स का बेस है। सो चलो जल्दी से इसे 9x9 का एरिया बनाकर और जल्दी से इसे बनाते हैं और फिर मिलते हैं। सो हमारे यहाँ 9x9 का फिलअप बेस बन चुका है, ये देखो। और मैंने यहाँ बेड लगा के सोने की कोशिश की, बट दिखा रहा है कि सुबह के टाइम में हम लोग नहीं सो सकते। लेकिन मैं तो बहुत बड़ी आलसी हूँ, तो कभी भी सो जाती हूँ, सुबह हो शाम हो रात हो। ऐसे भी लॉकडाउन में कौन जग काम करता है, मतलब करते हैं लोग, बट या चलो जल्दी से अब इसके ऊपर का भी दो लेयर बना सकते हैं। ऐसे इसमें चार लेयर तक बन सकता है, एज योर विश, आप जहाँ तक बनाना चाहो, जितने आपके पास है। अब मैं तो भाई क्रिएटिव में हूँ, लेकिन जो लोग हार्ड वर्किंग सर्वाइवल में ये सब इकट्ठा करके बना रहे हैं, वो मैक्स 3 लेवल तक बनाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सारे उसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, यानी सारा स्ट्रेंथ हो गया, रीजनरेशन हो गया, और उसके बाद बूस्ट हो गया, जंप वाला हो गया, सब आपको मिल जाता है और ईजी बन भी जाता है 3 में। खैर जल्दी से बनाते हैं इसे, और ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो चलो ये हमारा यहाँ पे बन चुका है, जल्दी से इसे ऑन करते हैं। मैं यहाँ चाहूँ तो दो लगा सकती हूँ, आप लोग जिस हिसाब से बनाओगे उस हिसाब से एक लगाना दो लगाना, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये था हमारा प्राइमरी बीकन, जो है ब्लॉक ऑफ गोल्ड, मतलब ब्लॉक ऑफ आयरन। हम लोग बनाएंगे सेम ब्लॉक ऑफ गोल्ड एंड ब्लॉक ऑफ डायमंड का। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा गोल्डन बीकन भी बन चुका है, अब जल्दी से इसे भी करते हैं स्टार्ट। ओ वाओ, इन सबको शेडर्स में देखने में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं बता नहीं सकती। अब जल्दी से डायमंड बीकन बना लेते हैं। सो लेट्स मेड इट। और यहाँ मैं कब से 9x9 ब्लॉक्स का एरिया बनाने के लिए बोल ज़रूरी थी, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, 6 ब्लॉक का भी बना सकते हैं, जिसको ऐसे जहाँ पर ये हमारा 4 लेयर का बन रहा था और दो लेयर लगाने पड़े थे, उसमें आप सिर्फ एक लगा के भी काम कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 9 का ही बनाएं, हम 6 का ही बना सकते हैं। जैसे डायमंड ब्लॉक का मैं 6 का बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि डायमंड ब्लॉक जो है बहुत, मतलब बहुत मेहनत लगती है भाई डायमंड ब्लॉक के लिए। ऐसे ही यारे जारे नटू कह रहे, कोई भी तो उठा के नहीं ले जाता, कितने ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, कितना सारा, मतलब समझ जाओ। सो जल्दी से विश्वास करके देखते हैं, देखा। सो इसीलिए यही चीज़ मैं देखना चाह रही थी कि ऑन होता है कि नहीं। अब तुम लोग बोलोगे कब से तो बोल रही है कि ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है, क्या मतलब लंबा भाषण दे रही है। नहीं, ये एक हैक था, और जिसकी वजह से मैं हैक हो चुका है। खैर चलो जल्दी से इसे फालतू का मजाक समझ के उड़ाकर और आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत काम करने हैं अभी। सो फाइनली यहाँ पे हमारा डायमंड बीकन भी हो चुका है रेडी, ये हमारा गोल्डन बीकन, ये हमारा डायमंड बीकन। अब बारी है एमरल्ड बीकन की, जो कि बन जाता है, बट या बहुत मेहनत लगती है एमरल्ड बीकन को बनाने में। सो जल्दी से इसे बनाते हैं और देन आएगा हमारा सबसे पावरफुल बीकन। सो यहाँ पर हमारा एमरल्ड बीकन भी हो चुका है स्टार्ट, एंड नाउ दिस टाइम टू मेक ब्लॉक ऑफ नेदरराइट का नेदरराइट बीकन, जो कि मैं पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ, मतलब इसे बनाते हुए मैं एक भी बार पॉज नहीं करूँगी। चलो अब इसे बनाते हैं। रात पहले बोलो तुम, कुछ भी शुभ काम करने ही नहीं देते लोग, चलो चल के सोते हैं। डू यू गाइस वांट टू सी अ थिंग, दिखाती हूँ, ये हमारा बेड, 1 2 3, इस स्लाइम ब्लॉक की तरह जंप हो रहा था। सो नाउ मेक द मोस्ट पावरफुल बीकन ऑफ माइनक्राफ्ट, 1 2 3 4, उधर रख देते हैं अब, 5 6 7 8 9, 1 2, देखो इसको आवाज़ कैसे आ रही है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 आ जा, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9,
एक सेकेंड वट 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा एक ब्लॉक ज़्यादा है, इट्स ओके लेट्स अब इन्हें कंबाइन कर देते हैं एक साथ। साउंड सुना ना तुम लोगों ने, अब जल्दी से इसे फिलअप कर देते हैं। सो ये हमारा फिलअप हो चुका है और ये कुछ डेयर मिल्क चॉकलेट क्लियर नहीं दिख रहा। चलो अब जल्दी से इसके ऊपर वाला ही बना देते हैं और उसे फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने टाइम मैंने वीडियो पॉज इसलिए की ताकि हमारी वीडियो एक्सेस लंबी ना हो जाए बिना मतलब की। सो चलो लेट्स मेक इट एंड इसे भी फिलअप कर देंगे। तुम लोग ना बस मैं 2 मिनट के लिए शांत हो रही हूँ, तुम लोग ज़रा इसके साउंड ध्यान से सुनना, बार बार चेंज हो जा रही है। लेट्स हियर इट। कुछ सुना? या ये बार बार ऐसे जैसे नहीं हम एनुअल में कुछ बनाते हैं तो साउंड आता है, वैसी वाली साउंड है इसकी। बाय द वे चलो जल्दी से सब बनाते हैं। वैसे नेदरराइट ढूंढना, फिर नेदरराइट के ब्लॉक्स बनाना, फिर हर एक ब्लॉक से इतने सारे ब्लॉक्स मतलब इकट्ठा करके इसका बीकन बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अगर सर्वाइवल में खेलो ना तो कुछ 5 से 6 महीने का आसपास का टाइम लगेगा, उससे कम में तो नहीं बनने वाला या उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर हम डेली का भी 1 आवर खेलते हैं सर्वाइवल में तो। बट या 5 से 6 महीने तो लग ही जाएंगे क्योंकि नेदरराइट ढूंढो, एक ब्लॉक से एक स्क्रैप बनेगा, फिर वैसे 4 ढूंढो तो एक इंगट बनता है, फिर उतने इंगट से मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। और ये शुरू हो गया हमारा नेदरराइट का ब्लॉक। अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले, अब हम लोग करने वाले हैं सिर्फ इनका कलर चेंज ताकि दूर से भी देखने पर लगे कि यह कौन कौन से ब्लॉक का बीकन है। ओके सो गाइज अब हम लोग करेंगे कलर चेंज इन सब ग्लासेस को लगा के। सबसे पहले हमें ऐसे लगाना है, फिर इसे ऐसे लगाना है एंड देन इससे कुछ यहाँ से इस टाइप से करके आगे ले आना है। देखो अब ये वाइट है पहले से इसलिए ये नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग येलो वाले का कलर चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा। लेट्स सी यू। देखा सिंपली यहाँ या तुम वहीं लग जाओ, यहाँ यहाँ और एक बार इस या देखो ये देखो हो गया ना इसका कलर चेंज। इसके बाद तुम लोग चाहो तो उस ग्लास को तोड़ भी सकते हो, ये अब कलर चेंज ही रहेगा। चलो अब जल्दी से इसे कर देते हैं यहाँ इसके ऊपर ऐसे यहाँ और क्या ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अब जल्दी से इन दोनों का भी कलर चेंज कर देते हैं। सो लेट्स मेक इट यहाँ यहाँ एंड यहाँ हो जाए। कितना टाइम लेगा या ये देखो ये हो गया एंड मोस्ट पावरफुल बीकन के लिए ब्यूटीफुल सा कलर यहाँ यहाँ और यहाँ कहाँ लग गया यहाँ और ये हो गया हो गया। वाव एंड नाउ दिस टाइम टू सी इन दिस शेडर्स। गाइस आई डोंट नो व्हाई बट शेडर्स ऑन नहीं हो पा रहा है, बट रात के टाइम में देखने में कितने ज़्यादा ऑसम नहीं लग रहे? वाओ मींस लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यही पार्टिकुलर जैसा गोल्डन ब्लॉक का कलर गोल्डन है तो इसकी लाइट भी गोल्डन रखेंगे, हमारा जो मन हम वो रख सकते हैं। वाओ एक बार देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मींस वाओ वर्थ। और सबसे ज़्यादा प्यारा तो हमारा लग रहा है नेदर बीकन जिसके कलर भी सबसे यूनिक है ये देखो। और ये सब बाकी सारे भी बहुत अच्छे एक सेकेंड ये क्या था नथिंग। ये बाकी सारे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खैर रात के वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता जब आसपास ज़ॉम्बी दिख जाए। चलो जल्दी सब सो जाते हैं एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर आप लोगों ने DC ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर DC एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, हम लोग वहाँ पे बहुत सारे मज़े करेंगे फन करेंगे। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट सब्सक्राइब। वॉट डोंट सब्सक्राइब ये मैं क्या बोल रही हूँ, पक्का पागल हो गई हूँ मैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, बाय।